नांदेड़ के फुले मार्केट पर हाल ही में महात्मा फुले मार्केट कायम किया गया है। इस मार्केट में 37 कदीम दुकानें मौजूद थी। इन दुकानदारों को नई तामीरशुदा इमारत के कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से दुकानें नहीं दी जा रही थी। ऐसे में नांदेड़ के एमपी प्रताप पाटिल चिखलीकर और नांदेड़ शुमाल के एमएलए बालाजी कल्याणकर की कोशिशों से इन्हें दुकानें हासिल हो सकी। रुकने पार्लियामान और रुकने असेंबली की इसी कोशिश पर इजहार तशक्कुर के लिए इन दुकानदारों ने एक गुलपोशी तकरीब मुनाकिद की। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने पार्लियामान प्रताप पाटिल चिखलीकर एमएलए बालाजी कल्याणकर को मधु किया गया। फुले मार्केट के इन कदीम दुकानदारों की दुकानों का असरेनो इफ्तिताह भी रुकने पार्लियामान प्रताप पाटिल चिखलीकर के हाथों किया गया। इस मौके पर भाड़ेकर एसोसिएशन के सदर गुणवंत पाटिल हंगरगेकर, सेक्रेटरी शिवशंकर प्रसाद, डॉक्टर शेख रफीक अकमल, लोखंडे रमाकांत, यासीन अब्दुल कादिर व दीगर दुकानदार भी मौजूद थे। नांदेड़ शहरा मधे नांदेड़ महापालिकेचे जे संकुलन जे दुकान भाड़ेकोर जे भाड़ने देणारे महापालिकेचे दुकान आहेत त्याचे आज उद्घाटन होतं। त्या प्रसंगी माझ्यासोबत गुणवंतराव पाटील हंगरगेकर साहेब, लालवानी साहेब, शिवप्रसाद साहेब आणि त्याच्या अगोदर आपले लाडके खासदार प्रतापराव चिखलीकर साहेब यांनी उद्घाटन करून त्याला थोडं काम असल्यामुळे गेले आणि मी थोडा मला उशीर झाला आणि सगळ्याची मी माफी मागतो। या निमित्ताने सर्व व्यापारी छोटे गरीब मोठे यांना मी सर्वांना मी शुभेच्छा देतो। आज एवढ्या चांगल्या वास्तूमध्ये एवढी मोठी बिल्डिंग महापालिकेने उभारली, खरंच मी महापालिकेचंही कौतुक करतो। आज नांदेडला काय होईना भव्य दिव्य असे एक सुंदर देखावा असं या बिल्डिंगमध्ये तयार झालेलं आहे। या निमित्ताने सर्वांना आज ही बिल्डिंग चांगली एवढी उत्कृष्ट या चांगल्या वास्तूमध्ये बांधली आणि ज्याचे दुकान अगोदर होते त्यालाच दिलं त्याच्याबद्दल मी खरंच व्यापाऱ्याचं कौतुक करतो आणि 100% त्यांच्या पाठीशी राहतो। या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा देतो। हमारे नांदेड में कम से कम 9 संकुल ऐसे हैं जो नगर पालिका के हैं, जो सगने साहब के ज़माने में से बन के आए, बाद में बनते गए, और 9 संकुलों में 450 दुकाना हैं। 450 दुकान में से यहाँ पे अभी ये जो नया संकुल बना महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट का, उसमें 36 दुकानें नगर पालिका की है जो हम भाड़ेकर हुए। उसमें मसला ये था कि 2015 से सभी संकुलों का किराया सरकार ने बढ़ाया, मतलब यहाँ की नगर पालिका ने बढ़ाया। किसी भी महाराष्ट्र में किसी नगर पालिका का इतना किराया नहीं जितना नांदेड़ के महानगर पालिका के दुकानों का किराया है। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। जो किराया जिस दुकान को 1,000 था उसका 10,000 कर दिए, जिसको 10,000 था उसका 1,00,000 कर दिए, गुना सीधा सीधा गुना 10 कर दिए रेडी डेकनर के नाम पे। हमने ये लड़ाई लड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुगना कर सकते, उससे ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा सकते, और वो भी 3 साल में 10% बढ़ने का। हमने कहा कि तुमको अगर इनकम नहीं है, तुम्हारी नौकरशाही अगर चलाने की है, तो हम उसका भुगतान क्यों करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुगना देंगे। और ये लड़ाई हमने लड़ी। अभी ये केस कोर्ट में भी चल रही है, मुख्यमंत्री के सामने भी ये हमारी फाइल पड़ी हुई है, और हम ये न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। इसमें हमको जो साथ देने वाले चिखलीकर और बालाजी कल्याणकर, ये दोनों ने मदद की है। अगर ये हम सक्सेस हो जाते तो ये क्रेडिट उनको भी हम देते हैं। धन्यवाद। लिए हमको उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जो दुकानें मिली है, ये दुकानें बहुत ही यानी 44 रुपये स्क्वायर फीट रेडिएटर के हिसाब से मिली है। हर दुकानदार को 10,000 तक किराया रेंट है, और ये दुकानें अभी उतने अभी इसमें सुविधाएं 80% है। अभी हम लोगों को लाइट नहीं है, और ये बाउंड्री वगैरह ये नहीं किए, उसकी वजह से ट्रैफिक वाले यहाँ पर ऑटो वगैरह लगा दे रहे, उसकी वजह से जो ऊपर के शॉप वाले वो नहीं आ रहे यहाँ। तो हमारी यही है, आयोग से विनंती है कि हमको यहाँ पर जो है सही तरीके से लाइट वगैरह लगा कर, और ये जहाँ पर जो बैरिकेड डाली है, बैरिकेड डालेंगे तो जो ट्रैफिक वाले जो है वो बराबर इससे चलेंगे, और ये जो ऑटो वाले जो इसको नया मोड़ा बना के रखे वाले ऑटो वाले या कोई भी आया कार वाला आया कि ऊपर फुटपाथ पे लगा दे रहा पार्किंग कर रहा है, ये तरीका बनो। हम आयोग से विनंती करते हैं कि इस मार्केट को ध्यान देते हुए यहाँ के अतिक्रमण जो कर रहे फुले मार्केट के फुटपाथ पे, सिर्फ फुले मार्केट के जो हम जो रेंट है जो भाड़े कर हुए उनको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए हमको छुटकारा दिलाए, इतना ही कहता हूँ। नांदेड़ के डॉक्टर लाइन में G+2 बिल्डिंग किराए पर है उपलब्ध। विश्वप्रयाग हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में की गई है सभी जरूरी जगह की व्यवस्था। ICU हो
या ओपीडी या आईबीडी हॉल, सब कुछ खूबसूरती से बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल के लिए भी जगह की गई है आवंटित। इस इमारत में अग्नि सुरक्षा और ऑक्सीजन आपूर्ति लाइन का भी है प्रावधान। अस्पताल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिल्डिंग का उपयोग करने के इच्छुक स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मोहम्मद यूनुस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कमर हॉस्पिटल के सामने, विश्व प्रयाग हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड़।